दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से ये सुझाव लेना चाहूंगा कि देश जिस संकट से अभी गुजर रहा है उससे निपटने के लिए क्या हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, इसलिए मैं फंड रेज करने की सोच रहा हूं। हालांकि अभी मैंने बस सोचा है। पहले आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप सब इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और आज की कहानी सिर्फ एक साधारण इंसान की नहीं है, बेशक वो आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान ही लगता है, लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ उसे हमसे अलग मानते हैं। और जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ वो समय हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग के लिए बदनाम था। चमत्कारिक रूप से उसने आधुनिक तकनीक के समय ये सब शुरू नहीं किया था, बल्कि उस समय तो लैंडलाइन फोन्स भी रोटरी वाले हुआ करते थे और कंप्यूटर्स तो लोग सिर्फ टीवी में ही देख सकते थे। लेकिन इन सब से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये तो उसके लिए एक गेम जैसा था जो बहुत मजेदार होने वाला है। और दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रजित भार्गवा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की। वो समय था जब हैकिंग को एक गुनाह नहीं समझा जाता था, बल्कि उस समय तो ये बड़ा चलन में था। मैं बात कर रहा हूँ सन 1963 की। कैलिफोर्निया के वेनाइस में केविन मिटनिक नामक एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता ने परिवार को 1968 में ही छोड़ दिया था। इस समय केविन सिर्फ 5 साल का था। इस वजह से परिवार को पालने की जिम्मेदारी केविन की माता पर आ गई थी। उस समय तक केविन बिल्कुल साधारण सा बच्चा था, लेकिन 12 साल का होते होते जहां आम बच्चे गेम्स में अपनी रुचि रखने लगते हैं, लेकिन केविन को बसेस में घूमना पसंद था। वो बस की खिड़की से अपने शहर को निहारता था और उसके पास पैसा बेहद कम होता था, इसलिए उसे टिकट्स खरीदने के लिए कोई पैसों का जुगाड़ करना जरूरी था। और ऐसे ही एक बार बस में घूमते हुए उसने सोचा कि किस तरह वो इन बस में फ्री में चक्कर लगा सकता है, और यहीं से उसने सारा सिस्टम घुमा डाला। उसने देखा कि टिकट्स लेने के बाद चेक इन के समय बस ड्राइवर उस टिकट पर एक पंचर से छेद करता है और वो उस टिकट पर तिथि समय और रूट के हिसाब से ही छेद करता था। और इस बस में फ्री में यात्रा करने के लिए अब उसे एक छेद बनाने वाला पंचर और नई टिकट चाहिए थी। वो टिकट्स तो बस में रखे बॉक्स से उठा सकता था, लेकिन वो इस पंचर का जुगाड़ कहाँ से करता। कमाल की बात यह थी कि उसने इसका जवाब सीधा ड्राइवर से ही पूछ डाला और उस ड्राइवर ने बिना सोचे उसे इसका उत्तर बता दिया। इस हिसाब से केविन की पहली चाल कामयाब रही। अब उसने अपनी इस ट्रिक से बहुत सी बसेस में बिना पैसा दिए यात्रा करी। उसे अपनी इस चाल पर बेहद गर्व हो रहा था और अब वो खुद को एक महान इंसान समझने लगा था। उसे स्कूल के रेडियो एमेचर क्लब में ज्वाइन करवाया गया और वहां उसे कुछ नए दोस्त मिले। उसने सभी को अपनी टिकट वाली चाल के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना है। वो बच्चे केविन से प्रभावित थे और उन बच्चों ने केविन को टेलीफोन से होने वाली कुछ ट्रिक्स दिखाई। उन बच्चों ने तो टेलीफोन्स की ट्रिक्स बताई थी, लेकिन केविन इन सब से टेलीफोन नेटवर्क्स को ही हैक करने वाली दुनिया में घुस गया। उसके दोस्तों ने बताया कि कैसे कुछ सीक्रेट नंबर्स इस्तेमाल करके दूर दूर तक कॉल्स की जा सकती है। उसके बाद कुछ और बच्चे ऐसी ही ट्रिक्स के साथ केविन को मिले, जो केविन के लिए उदाहरण बनकर सामने आए। उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनीज में फोन करके और एक बड़े आदमी की तरह बात करके उस कंपनी से बड़ी बड़ी डील्स कर लिया करते थे। और इसी समय के बाद से केविन ने भी यही सब करना शुरू किया। उसने एक ट्रिक अपने कंप्यूटर टीचर के साथ आजमाई। उसने टीचर को कॉल किया और कोई और ही आदमी बनकर उसने टीचर के बारे में सब कुछ जान लिया और सारी सूचना इकट्ठा करके वो टीचर के पास गया और जाकर उसे सारी कहानी सुनाई। टीचर उससे इतना खुश हुआ कि उसने केविन को अपना सबसे खास स्टूडेंट बना डाला। इस समय केविन अपने हुनर को निखारने में लग गया था। 14 साल की उम्र में केविन सीख चुका था कि कैसे एक टेलीफोन की कॉल को पेफोन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही उसने कॉल ना उठाने पर रिकॉर्डिंग छोड़ने वाला फीचर भी निकाल दिया था। 15 साल तक आते आते फोन्स के बारे में केविन से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। उसे पता था कि पूरी दुनिया में कॉल्स कैसे फ्री में लगाई जा सकती हैं। अब जल्दी ही वो इस काम से बोर हो गया। अब वो स्कूल की कंप्यूटर लैब में घंटों बैठकर मैनुअल्स को सीखने लगा था। और सन 1980 में केविन ने सबसे पहले हैकिंग अटैक किया, जो कि स्कूल के लोकल नेटवर्क पर था। इसी बीच वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भूल चुका था। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ हैकिंग पर था। सिर्फ 16 साल की उम्र में टेलीफोन कंपनीज केविन से इतनी परेशान हुई कि उन्होंने उसके घर का कनेक्शन ही काट दिया, क्योंकि उनके पास केविन की ट्रिक्स का कोई तोड़ ही नहीं था। वो अपनी माता के साथ एक अपार्टमेंट के रूम नंबर 13 में रहता था। कनेक्शन काटने के बाद उसने अपने घर का नंबर बदलकर 12B कर दिया। इस काम से उसे नया कनेक्शन तो मिल गया 1979 में,
केविन को अपना पहला मिशन मिला, जिसके बाद ही उसे हैकर की उपाधि दी गई। उसे हैकर्स के एक ग्रुप से मिलवाया गया, जिन्होंने उसे अपने अंदर शामिल कर लिया। लेकिन शामिल होने से पहले एक टेस्ट पास करना जरूरी था, और यह टेस्ट था कि उसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ना है। उस समय इस कंपनी के पास सबसे पुख्ता सिक्योरिटी सिस्टम हुआ करते थे। वो कहते थे कि इस सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता। कमाल की बात यह थी कि केविन ने इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट्स में तोड़ डाला, और उसके बाद ही केविन का हैकर्स के बीच एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन अभी भी केविन टेलीफोन्स में ही रुचि रखता था, और जैसा कि अब उम्मीद थी, उसके सामने पहली समस्या आई। इस हैकर के पूरे ग्रुप में एक लड़की भी शामिल थी, और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस पूरे ग्रुप को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसे 3 महीने की कैद और 1 साल तक सुधार गृह में रहने की सजा मिली। जेल में रहते हुए उसने अपना समय खराब नहीं किया। जेल के अंदर रहकर ही उसे दुनिया के सारे टेलीफोन नेटवर्क का ज्ञान हो चुका था। वो टेलीफोन हैकिंग का बेताज बादशाह बन चुका था, और ऐसे नंबर्स बना चुका था जो कंपनी ने कभी रजिस्टर ही नहीं किए थे। वो किसी की भी कॉल सुन सकता था, और किसी के भी फोन से कहीं भी फोन कर सकता था। 80 के दशक में उसने अपने हुनर को और निखारा। कैलिफोर्निया में रहते हुए उसने पूरी दुनिया के टेलीफोन नेटवर्क को एक मजाक बना डाला। साथ ही वो अपनी चाल का कोई सबूत भी पीछे नहीं छोड़ता था। अपने हैक्स करते हुए उसने काफी पैसा भी कमाया। फिर 1987 का समय आया, जब उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके एक दोस्त ने उसकी खबर पुलिस को दे दी, और इसका कारण था जलन, क्योंकि कोई भी केविन के हुनर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तो लगातार केविन को सजाएं होती रही। इसके बाद आर्पानेट जैसी चीज दुनिया में आई। अब दुनिया के शातिर दिमागों ने खेल खेला। उन्होंने केविन की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा। वो चाहते थे कि वो आर्पानेट जैसी चीज को तोड़कर दिखाए। अदालत में पेशी के समय वहां मौजूद तकनीक के एक्सपर्ट ने कहा कि केविन को तो एक आम हैकर वाली सजा दी गई है, लेकिन उसका लेवल उससे कहीं ज्यादा ऊपर था। 1990 में केविन को जमानत पर छोड़ दिया गया। साथ ही ये शर्त रखी गई कि वो दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को नहीं छुएगा। लेकिन जल्द ही केविन अपने रूप में वापिस आया। जो लोग उस पर तकनीक के सहारे नजर रख रहे थे, केविन ने उन सभी के कंप्यूटर्स को ब्लॉक कर दिया। साथ ही जिस जज ने उसे सजा दी थी, उसके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया। अदालत में मौजूद सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स को उसने डिलीट कर दिया। अब देखा जाए तो कानूनी रूप से उसके खिलाफ ना कोई शिकायत थी, ना ही कोई सबूत था। अब FBI जैसी संस्था उसके पीछे लग चुकी थी। 1992 तक आते आते जो FBI के लोग उसे ट्रेस कर रहे थे, केविन ने उनके कंप्यूटर्स तक से खुद के निशान मिटा डाले। इतना ही नहीं, उसने FBI कार्यालय में लगे सभी फोन्स को टैप कर लिया, और वहां आने वाली हर कॉल को वो सुन सकता था, और अब वो हर समय उनसे एक कदम आगे चल रहा था। 1994 में उस पर आरोप लगा कि उसने मोटोरोला का सेल्युलर सॉफ्टवेयर चुरा लिया है, और 25 दिसंबर 1994 के दिन मिटनिक ने दुनिया को दिखाया कि वो क्या कर सकता है। उसने सुटुमो शिनेमोरा के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, जो कि उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्निकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। उसने शिकागो यूनिवर्सिटी में बैठकर एक कंप्यूटर से ये सारा काम किया। उसने शिनेमोरा के कंप्यूटर से सारी जरूरी फाइल्स निकाल ली। अब शिनेमोरा के लिए मिटनिक को पकड़ना इज्जत का सवाल बन चुका था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा करने वाले के घर ही सेंध लग चुकी थी। 15 फरवरी 1995 के दिन मिटनिक को गिरफ्तार किया गया। बहुत से लोग मानते हैं कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया था, क्योंकि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि हर समय वो एक कदम आगे चलता था। उस पर 23 अलग अलग तरह के केसेस बनाए गए, और लगभग $80 मिलियन चुराने का आरोप लगाया गया। इस समय तक वो पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में एक लेजेंड बन चुका था। उसने पूरे 5 साल जेल में बिताए, जिसमें से 1 साल तो उसे पूरी तरह से अकेला रखा गया था। अदालत में तो ये तक बोला गया कि अगर उसे एक टेलीफोन दिया जाए तो वो यहाँ बैठे ही पूरे एरोस्पेस को नियंत्रित कर सकता है, साथ ही किसी भी मिसाइल को एक टेलीफोन से लॉन्च कर सकता है। वो हैकिंग सिर्फ अपने शौक के लिए करता था, साथ ही उसने कभी किसी को इससे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स कहीं भी मिनटों में भेज सकता था। और जेल से रिहा होने के बाद उसने एक आम नौकरी करी, वो भी एक छोटे से मेडिकल सेंटर पर। जब वो जेल में था, तब उसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई। 2005 में वो जेल से बाहर आया, और उसके बाद उसने कभी हैकिंग नहीं करी। 2003 के बाद उस पर लगे हर तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए, और 2010 के बाद से वो कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम डिफेंस थिंकिंग रखा, जो कि आज भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं।
तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको दुनिया के सबसे महान हैकर केविन मिटनी के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।